देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। इतनी खूबसूरत रात में ऐसा सड़ू सा मुंह क्यों बनाया? तुम्हें पता है आज एक चांद मेरे सामने और दूसरा चांद वहां आसमान में, और वो चांद इस चांद से कुछ कह रहा है। वो कह रहा है कि उसने भगवान से सिफारिश करी है कि छवि का रिश्ता जल्दी से पक्का हो जाए ताकि हमारा नंबर आए। वो कह रहा है कि मुझे अर्जुन की दी हुई मॉम की रिंग से देखो, शायद तुम्हें अपना भविष्य नजर आए। मेरी मम्मा की वो चाहती थी कि ये मैं अपने होने वाली लाइफ पार्टनर हो दूं। अर्जुन, यू मेड मी सो हैप्पी टुडे। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी मॉम को कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी, और जल्द ही तुम्हारी मॉम की रिंग पहन के हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ तुम्हारी हो जाऊंगी। आई प्रॉमिस यू। इनफैक्ट मैं डैड से कल ही बात करूंगी, उन्हें बोलूंगी कि छवि दी की शादी के साथ साथ ना हमारी भी शादी फिक्स कर दें। अब लग रहा है ना चांद और भी खूबसूरत। कम ऑन यार दिशा, एक बार ट्राई तो करो, जब तक साइज ऊपर नीचे हो कुछ बाद में फिट कराना पड़े। अर्जुन प्लीज यार, तुम बात को समझा करो ना, मैं इतना जल्दी शादी नहीं करना चाहती। But this is not done यार, मुझे लग रहा है कि तुम ना मुझसे प्यार ही नहीं करती। आज का फुल मून मेरे लिए बहुत लकी है, क्योंकि आज ही के दिन अर्जुन ने वो रिंग मुझे पहली बार दिखाई। तुम्हें पता है तुम मेरे लिए इतने लकी हो कि तुम्हारे साथ मुझे एक फोटो तो लेनी ही पड़ेगी ना अर्जुन को दिखाने के लिए। यहां तो अच्छी फोटो आ ही नहीं रही है, बालकनी में जाके ट्राई करती हूँ और वहीं से जाके फिर अर्जुन को भी दिखा दूंगी। अगर तुम्हें मेरा प्यार चाहिए और प्रपोजल चाहिए ना, तुम्हें अर्न करना पड़ेगा। अच्छा, हाय माय बेबी। तुम्हारा मैसेज मिला निया। अच्छा सुनो, छवि का रिश्ता इतने बड़े घर में किसी भी हाल में नहीं होने देना है तुम्हें। अच्छे परिवार की तस्वीर जो उन्हें दिखाई जा रही है, असली तस्वीर कुछ और ही है। मॉम, आप ये क्या बोल रही हैं? आपको पता है आज कितने दिनों बाद मैंने डैड को स्माइल करते हुए देखा, खुश देखा, एंड मैं उनसे उनकी खुशी नहीं छीन सकती हूँ। थिंक अबाउट इट मॉम, अगर ये रिश्ता टूटता है तो डैड की डील भी टूट जाएगी। नहीं मॉम, मेरी प्रॉब्लम तो अप्पू आंटी से है ना, तो उसके लिए डैड क्यों सफर करेंगे? आई एम सॉरी, पर मुझसे ये नहीं होगा। अब देखना, अगर तुम्हें मजबूर ना कर दिया ना मुझे प्रपोज करने के लिए, तो मेरा नाम भी अर्जुन नहीं। और मिस्टर मून, आप फिटनेस हैं, दैट आई लव दिशा। अब आप ही के सामने यहीं पर आके मुझे आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू अर्जुन। आराम से, और मिस्टर मून, आप ही के सामने यहीं पर आके मुझे आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू अर्जुन।
मॉम, अब जैसा चाहती है वैसा ही होगा। छवि की शादी टूटेगी और उसकी गूंज इस फैमिली के हर मेंबर को सुनाई देगी। मैं इस पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगी। Good. कल छवि के एंगेजमेंट के बाद हमें अप्पू आंटी को अपने रिलेशनशिप के बारे में बता देना चाहिए। शादी की जल्दी नहीं है मुझे, पर मैं चाहता हूँ कि एक बार हम आंटी को अपने रिश्ते के बारे में बता दें और मैं उनसे ब्लेसिंग्स ले लूँ, ताकि हमारे लिए बाद में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। मैं जानता हूं पराजिता कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो, लेकिन हमारे बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी मतभेद हैं, जो भी ईगो क्लैश हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारे बीच की बात है। मुझे नहीं लगता है कि छवि के रिश्ते में तुम्हें उन सब बातों को बीच में लाना चाहिए। ये रिश्ता होना बहुत ही ज़रूरी है। इसका मतलब अगर ये सगाई नहीं हुई तो क्या आपका बिजनेस खतरे में पड़ जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ मेरी मुश्किलें जरूर बढ़ जाएंगी। तो क्या है, बहुत लंबी स्ट्रगल के बाद एक अच्छा स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर मिला था हमें। अगर ये इन्वेस्टर चला गया, ये डील कैंसिल हो गई ना, तो नया इन्वेस्टर ढूंढने के लिए मुझे नए सिरे से मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों तुम नहीं समझो? क्या है, मार्केट की हालत भी बहुत खराब है, तो इन्वेस्टर्स मिलना इतना आसान नहीं। मतलब हमारी बेटी आपके बिजनेस के काम आ रही है? ये कह रहा था मैं, ये आप नहीं, नहीं, नहीं रुको, मैं बात करूं। इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकती हूं? मैं बाप हूं छवि का, मैं ऐसा करूंगा? और मैं जानता हूं इन लोगों को, इस खानदान को जानता हूं, मैं उनके बारे में जानता हूं। मैं जानता हूं बच्ची खुश रहेगी वहां। अगर मुझे जरा भी पता होता कि ये परिवार खराब है या उनके बारे में नहीं जानता, तो छवि को कभी छवि मेरे बिजनेस का जरिया थोड़ी बनाऊंगा मैं उसे? बेटी है मेरी वो। जी बताओ यार, कुछ सही कह रहे ना आपको। देखो, अगर ये रिश्ता हाथ से चला गया तो ना सिर्फ हमारी बिजनेस डील जाएगी, बल्कि इतना अच्छा रिश्ता छवि के हाथ से निकल जाएगा। वो रिश्ता जहाँ हमारी बेटी ससुराल वालों के एहसान के तले दबी रहेगी। बात समझ क्यों नहीं रही हो तुम अपराजिता? मैं सिर्फ तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नमस्कार अक्षय सिंह जी। नमस्कार ब्रह्मात्मा जी। आई, स्वागत है, स्वागत है भाभी जी, आइए ना। जी आगे। कल आप पति और पत्नी के बीच हुई बातचीत के बाद हमें ऐसा लगा कि आपके पत्नी के मन में कहीं ना कहीं कोई शंका या दुविधा है।
इसीलिए हमने आपको थोड़ा वक्त दिया। तो जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि निर्णय जो भी हो वो परिवार सर्वमान्य होना चाहिए, और अगर आपके परिवार को इस रिश्ते से सहमति हो तो हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे यानी कि पराग और छवि दोनों एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को जान लें, समझ लें, और अगर उन्हें लगता है कि उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए तो हम ये रस्म आज के लिए रोक देंगे, और तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक हमारे बच्चे सहमत न हो जाए। ये तो आपने हमारे दिल की बात कह दी भाई साहब, हम भी यही सोच रहे थे। अच्छा होगा अगर दोनों एक दूसरे से बात कर लें तो। जाओ बेटा, पराग को लेकर छत पर चली जाओ। जाओ उठो। आओ आओ। क्या बात है, मेहमान बैठे हुए अंदर क्यों बुलाया मुझे? देखिए, एक जिम्मेदार पेरेंट्स के हिसाब से ना हमको छवि का सच उन्हें बता देना चाहिए। हाँ भी? देखो, इतनी फुर्सत मिली नहीं है कि मैं उन्हें डिटेल में सब कुछ बताऊं, लेकिन मैंने अपनी तरीके से छवि के बारे में उन्हें बताया हुआ है और वो लोग ओके हैं सारी इन्फॉर्मेशन से। हम बाहर चले, वो लोग वेट कर रहे हैं। देखिए, आपकी पसंद तो पता नहीं थी, लेकिन हम सारी साड़ियां ले आए। सारी बहुत सुंदर हैं, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? बात जरूरत की नहीं है, रिवाजों की है। वैसे भी शादी में लड़के वालों को लड़कियों को देने के लिए कुछ मौका ही नहीं मिलता, और ये आपके लिए खास। यू नो, मेरी फैमिली में ऐसा पहली बार हुआ है कि लड़का अपने होने वाली वाइफ से इस तरह अकेले में मुलाकात कर रहा है, और मैं बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ। एंड आई एम श्योर कि आप भी बहुत ऑकवर्ड फील कर रही होंगी। वैसे आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है या बाकी है? हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, हम पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस का कोर्स करके हम पढ़ाई पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइफ में जो कुछ भी सीखा है किताबों से कम और माँ की बातों से ज्यादा सीखा है। आपके परिवार से मिलकर बहुत प्रभावित हुआ हूं मैं। वो सब छोड़िए, मैं कह रहा था कि अंकल और आंटी साथ में दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। दोनों का रिश्ता कितना सच्चा और पवित्र लगता है। छवि, मैं चाहता हूं कि हमारा रिश्ता भी सच्चाई का हो, क्योंकि रिश्ते विश्वास से ही बनते हैं। हमें इन्हें वीर के बारे में बताना पड़ेगा। देखिए, हम आपसे कहेंगे। एक मिनट। जी बोलिए। अच्छा अच्छा, अरे ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बोली है। पापा ये खबर सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। छवि जी, आप सचमुच बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं मेरे लिए। एक बार हमारी बात। चलिए चलिए, मुझे पापा को ये बात बतानी ही पड़ेगी। चलिए। अरे हमारी बात। पापा, छवि सचमुच हमारे परिवार के लिए बहुत लकी है। मुझे अभी उद्योग मंत्रालय से कॉल आया था, अपना जो गाजियाबाद वाला प्रोजेक्ट था ना उसे क्लियरेंस मिल गया पापा। अरे वाह, ये तो बड़ा ही शुभ समाचार है। जी बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद। देख रहे हैं अक्षय जी, जब से आपके साथ कुंडली जुड़ने लगी है तब से हमारे भाग्य भी प्रबल होना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, ये अरे छवि भी आ गई। आ बेटा। वाह छवि, इधर आओ। देखिए हमारी छवि सबके लिए कितनी लकी है। बहन जी, ये आपके लिए। आपने हमें इतने सारे भेंट दिए, हम आपको कुछ भी नहीं दे पाए, इसलिए हम ये लेकर आए हैं। पर इसमें है क्या? इसमें हमारी छवि की बचपन से लेकर अब तक की फोटो है।
जल्दी जल्दी में हम आपको अपनी छवि के बारे में कुछ नहीं बता पाए, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, ये देखकर आप समझ जाएंगे इसकी सादगी, इसका भोलापन, इसकी अच्छाई। वाह, कमाल की सोच है आपकी। कमाल है वो। वो लोग इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेकर आए हमारे लिए और हम उन्हें रिटर्न गिफ्ट भी नहीं देंगे। ये है ना रिटर्न गिफ्ट, बना तो रहे हैं। ये फोटोज दोगे आप? और नहीं तो क्या, ये फोटो दिखा कर ना हम उन्हें बताएंगे कि देखिए हमारी छवि कितनी मासूम, कितनी भोली, बचपन से ही वो ऐसी ही थी, इसलिए शादी के बाद उसे खुश रखें, उसे पढ़ने दें, अगर वो जॉब करना चाहे तो उसे जॉब करने दें। अगर ये एल्बम दिखाकर उससे बात छेड़ेंगे ना तो उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा, इससे ना तो इस रिश्ते को नुकसान पहुंचेगा ना अक्षय की डील को। ये क्या है? ये तो हद है नीचता की। आपने इतना बड़ा छल किया हमारे साथ, ये औरत कौन है? यहां क्या खरी है तस्वीर तुम? क्या हुआ आप? क्या हुआ डार? ये तो मेरी मॉम है। तो क्या तुम अपराजिता की बेटी नहीं हो? जी नहीं, ये मेरी मॉम नहीं है। ये मेरी मॉम है, इनका नाम मोहिनी है। सत्य कहा था आपने कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, और अक्षय जी आपने अपना दूसरा चेहरा कभी दिखाया नहीं। नहीं, आपसे ये अपेक्षा नहीं थी, आपसे तो आपकी श्रीमती जी अच्छी हैं, जिन्होंने ये एल्बम देखे हमें सत्य का आभास कराया। देखो हमने एल्बम बना दिए, अब तुम इसको लेकर जाओ और एक अच्छा सा गिफ्ट बॉक्स लेकर आओ, उसमें डालकर लेकर आओ। जल्दी आना, ठीक है? वाओ, अपराजिता आंटी तो बड़ी स्वीट है, खुद ही आइडिया दे दिया मुझे कैसे मैं छवि दी का रिश्ता तोड़ू। थैंक यू सो मच डियर अप्पू आंटी। शादी तो दूर की बात है, आपका तो रोका भी नहीं होने दूंगी मैं। चलो यहां से, ऐसे दो गुले लोग मैंने अपने जीवन में नहीं देखे। आप प्लीज बुरा मत मानिए, ये जो आप देख रहे हैं मैम, हम बात करते ना, आपको जब मैं बात करूंगा आपको समझ में आ जाएगा सब सब क्या है। आपने हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, शुक्र है भगवान का हमारे ऐसे परिवार में रिश्ता नहीं हुआ। आपकी दो दो बीवियां हैं। ची 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 ची। उस दिन आपकी पत्नी कुछ कहने की कोशिश कर रही थी पर आपने उन्हें रोक लिया। मुझे उसी दिन समझ जाना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ है, पर मैंने आप पे भरोसा किया
एक अच्छा इंसान समझ के। अब ये सब छोड़ो और चलो यहाँ से। भाई साहब दो मिनट बैठ जाइए, हम लोग बात करते हैं ना। सुनिए सुनिए, आपको ना कोई गलत फहमी हुई, हम बात करते हैं ना, बैठकर। बस अब एक और शब्द नहीं, अगर कुछ भी कहा तो मैं पुलिस को बुलाकर धोखाधड़ी के इंजाम में अंदर करवा दूंगा। छोड़िए हमारा रास्ता, चलो यहां से। पूरी तुम्हारी जिद, इस खिलौनी हरकत के लिए कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगा मैं।